अगर आपको डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट करना है तो कैसे करेंगे? चलिए बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंट्रोल जिस भी कॉलम को आपको हाईलाइट करना है वहाँ जाकर आप कंट्रोल और स्पेस बटन दबाएंगे तो वो पूरी कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक शॉर्टकट की है Alt+H Alt+H D। अब यहाँ देखिए ये जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है वो हाईलाइट हो चुकी है। अगर हम ये सिस्टमेटिक है कि ये रेड कलर से ही हाईलाइट होगी, अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ जाएंगे, कस्टम बॉर्डर फॉर्मेट में जाएंगे, ओके करेंगे। उसके बाद इस तरीके का एक पॉपअप आएगा। उसके बाद जाने के बाद फिल में जाना है आपको, या यहाँ पर जो भी आपकी इच्छा है वो कलर ले सकते हैं। फिल इफेक्ट में जाके कुछ और कलर भी देख सकते हैं, ठीक है। मोर कलर में जाके ये इस तरीके से पॉपअप आता है, तो ये इस तरीके से यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं। मैं कर लेता हूँ इसको ग्रीन, चलिए यहाँ से सेलेक्ट किया है, अदरवाइज यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से जाके ओके कर देंगे। ये हो गया, देखिए अब ये हो गया, ठीक है। इसके लिए फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कैसे कर सकते हैं।